वेलकम टू रेमेडियल क्लासेस। मैं नवीन सक्सेना आपका स्वागत करता हूं। एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की जो हमारी एक सीरीज चल रही है, जिसमें हम इंग्लिश को बोलना और लिखना सीख रहे हैं। ठीक है, तो आम बोलचाल में हम हिंदी के जो वाक्य बोलते हैं उसको हम इंग्लिश में किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे, किस तरीके से बोलेंगे, हम वो सीख रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम हेल्प ले रहे हैं एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो अभी हम जो सेंटेंसेस सीख रहे हैं या हमने पिछली क्लासों में जो सेंटेंसेस सीखे हैं वो हमने सीखे हैं कि हम अपनी बात पर जोर देकर कहना चाहते हैं। ठीक है ना, कि किसी बात पर हम जोर देकर कहना चाहते हैं तो उसको किस प्रकार से बोला जाएगा या लिखा जाएगा। ठीक है, उसके अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस हैं। ठीक है, तो उसी कड़ी में आज हम एक और वीडियो लेकर आए हैं। ठीक है, तो जोर देकर कहे जाने वाले जो वाक्य हैं वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं या हम हमारा जो तरीका है वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो आज के हम सीखने वाले हैं, चलिए शुरू करते हैं। वह अंग्रेजी जानता तो है, मैं पढ़ता ही तो हूं, वह मुझसे मिला तो था, मैंने परीक्षा दी तो थी। तो आप इसमें देख रहे हैं कि सेंटेंस में तो है, ही तो हूं, या तो था, या तो थी, इस प्रकार से बोला जा रहा है। ठीक है, इसको हम सिंपल तरीके से बोल सकते थे कि भाई वह अंग्रेजी जानता है, मैं पढ़ता हूं, वह मुझसे मिला था। ठीक है, तो ये तो एक बात को सिंपल तरीका हो गया कहने का। ठीक है, लेकिन हम जब किसी बात के लिए कंफर्म होते हैं, हमें पूर्ण विश्वास होता है कि हाँ भाई ऐसा हुआ था या ऐसा ही है। ठीक है, तो हम इस तरीके से सेंटेंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हिंदी के सेंटेंसेस हमारे इसमें हो गए। ठीक है, तो आज हम इसी तरीके सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सीखेंगे कि उसका इंग्लिश स्ट्रक्चर क्या होगा, किस प्रकार से होगा। सो हमने इन सेंटेंसेस में क्या देखा है, हमने ये देखा है कि जो सेंटेंस है उसमें तो है या ही, तो था का यूज हुआ है। ठीक है, ये हमने सीखा है, और इस तरीके से हम अपनी बात पर जोर देकर कहना चाहते हैं। ओके, सो अब इसका क्या एक स्ट्रक्चर बना वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो हिंदी स्ट्रक्चर जो है वो इसका क्या रहा, सबसे पहले कर्ता उसमें आया है। ठीक है ना, यानी हमारा जो सब्जेक्ट है वो लिखा गया है, क्रिया जाती है, फिर तो है या ही तो है, इस प्रकार से ये हिंदी स्ट्रक्चर की बात हो गई। जो अभी हमने हिंदी में सेंटेंस देखे उसको इस प्रकार से लिखा गया है। ठीक है ना, केवल आपको समझाने के लिए इसमें बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, कि ये उसका एक स्ट्रक्चर रहा। अब इसी बेस पर इंग्लिश स्ट्रक्चर क्या होने वाला है वो हम देखते हैं। उसमें हमें क्या करना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करना है, और वो सब्जेक्ट या नाउन है या प्रोनाउन है, किसी का नाम है वो भी हमें लिखना है सबसे पहले, या बोलना है, और जो प्रोनाउन है ही शी वगैरह जो कुछ भी है वो भी हमें इसमें लिखने हैं। ठीक है, प्रोनाउन के बारे में अगर आपने क्लासेस नहीं देखी है, उनका यूज किस तरीके से होता है, क्या क्या टाइप्स के होते हैं, तो मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर के देख सकते हैं। अब जो सब्जेक्ट आपने लिखा है उसके बाद में आपको डू डज या डिड का यूज करना है, डू डज या फिर डिड का यूज करना है। ठीक है, तो डू डस का यूज हम प्रेजेंट में करते हैं और डिड का यूज हम पास्ट के लिए करते हैं। तो जिन सेंटेंस में है आ रहा है वहां पर आपको डू या डस का यूज करना है, और जिन सेंटेंस में आप था का यूज कर रहे हैं वहां पे आपको डिड का यूज करना है। उसके बाद में इन्फिनेटिव लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अब इन्फिनेटिव क्या होते हैं, किस तरीके से इसका यूज होता है, उसके लिए एक अलग डिटेल वीडियो में बनाऊंगा। ठीक है, लेकिन इतना जान लें कि जो इसमें जो मेन वर्ब है वो आपको लिखनी है। ठीक है, देन अदर वर्ड्स का मतलब हो गया कि अब इनके अलावा जो कुछ बच जाता है वो सबसे लास्ट में लिख दिया जाएगा या बोल दिया जाता है। ठीक है ना, तो हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे ऐसे सेंटेंसेस की, और फिर धीरे धीरे वो जो है हमारे टंग पर, हमारे जबान पर आने लग जाएंगे, और फिर हम उसको बोलना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो अब जो भी आपने ये एग्जाम्पल्स देखे अभी, ठीक है ना, उसको हम इस इंग्लिश स्ट्रक्चर के बेस पर ट्रांसलेट करने वाले हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। वह अंग्रेजी जानता तो है, ही डज नो इंग्लिश। ठीक है, वह अंग्रेजी जानता तो है, यहां पर ये प्रेशर आया है। ठीक है ना, तो ये प्रेशर किस पर जा रहा है, ये प्रेशर इस वर्ब के ऊपर जा रहा है। ठीक है ना, ये सब्जेक्ट पे जा रहा है, ना ये ऑब्जेक्ट पे जा रहा है। ठीक है ना, सब्जेक्ट यहाँ पर ही है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर अंग्रेजी है। ठीक है, इस पे नहीं है। अब बजाती है जो हमारी जानना, ये जो वर्ब है, ये जो वर्ब हमारी है जानना, इसके ऊपर ये प्रेशर देने के लिए तो है लिखा गया है। ठीक है, जब इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हमने, ठीक है, हमारा यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्ट आ गया ही। ठीक है, जानना के लिए नो लिखते हैं। उससे पहले आपको क्या करना है, मैंने बताया था आपको डू डज या डिड का यूज
करना है। अब क्योंकि ये सेंटेंस है आ रहा यानी प्रेजेंट का है, तो हम यहाँ पे डस का यूज कर देंगे, ठीक है ना। डू का यूज कहाँ करते हैं, डस का यूज कहाँ करते हैं, ये आपको टेंस की क्लासेस जो थी मैंने वहां सिखाया था, ठीक है ना। आपको टेंस आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। ओके, अगला सेंटेंस देखते हैं। मैं पढ़ता ही तो हूं या पढ़ता तो हूं, ठीक है, इस प्रकार से इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। आई डू रीड, आई रीड मैं पढ़ता हूं, आई डू रीड मैं पढ़ता तो हूं, ठीक है ना। तो इस पढ़ने पर प्रेशर आ गया है, ठीक है, तो आपने यहाँ पे डू का यूज कर लिया। वह मुझसे मिला तो था, वह मुझसे मिला तो था। ही डिड मीट मी या ही डिड सी मी, ठीक है, दो वर्ब मैंने लिखी है, मीट या सी, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। इन जनरल हम सी का यूज भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। और हमने यहाँ पर उससे पहले डिड का यूज किया है, बिकॉज बात हो रही है पास्ट की, यहाँ पर हम ये डिड का यूज कर रहे हैं, तो ये बात हो गई पास्ट की, तो इसलिए हमने यहाँ पे डिड का यूज कर लिया है। ही डिड सी मी या ही डिड मीट मी, ओके। मैंने परीक्षा दी तो थी, आई डिड टेक द एग्जामिनेशन, आई डिड टेक द एग्जामिनेशन, ठीक है ना। दी तो थी, कंफर्म हूं मैं इस बात पर, दी तो थी, डिड टेक। वह झूठ बोला तो था, ठीक है, उस बात पर जोर दे रहे हैं कि हाँ भी झूठ बोला था। ही डिड लाई, ही डिड लाई, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो भी काम होता है या हुआ है यानी क्रिया जो है उस पर हम जोर देकर कहना चाहते हैं, ओके? वह यहाँ आई तो थी, she did come here, she did come here। सुनीता मुझे पसंद करती तो है, सुनीता does like me, सुनीता मुझे पसंद करती है, सुनीता likes me, सुनीता मुझे पसंद करती तो है, सुनीता does like me, ठीक है। तो यहाँ पर हम उस क्रिया पर जोर दे रहे हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है आपको, बहुत ही इजी है, आसान है, प्रैक्टिस करते रहेंगे। सो हमने क्या क्या सीखा है वो एक बार हम उसको देख लेते हैं। इसमें हमने इन्फिनिटिव विदाउट टू का यूज किया है, ठीक है, यानी जो हमने मेन वर्ब लिखी है उसके पहले हमको टू का यूज नहीं करना है, विदाउट टू है ये, ठीक है। अगर सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट का है तो हमें डू डस का यूज करना है, डू का या फिर डस का यूज हमें करना है, ये हमने जान लिया इसमें, ठीक है। और अगर पास्ट का है तो हमें डिड का यूज करना है, ये बातें हमने इसमें सीख ली हैं। अब मेन बात क्या रही, हम उस क्रिया पर जोर देना चाहते हैं, वो जो काम होता है या हुआ है, ठीक है ना, उस पर हम कंफर्म हैं, तो फिर हम उसके पहले डू डज या डिड का यूज कर लेंगे। तो ये बहुत ही एक सिंपल सा तरीका है एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर जरूर कीजिए। रेमेडियल क्लासेस बाय नवीन सर यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए रेमेडियल क्लासेस बाय नवीन सर, ठीक है। तो ये जो क्लासेस हैं रेमेडियल क्लासेस, ये हैं रेमेडियल एजुकेशन पॉइंट डॉट कॉम की तरफ से। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।